नमस्कार, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कुछ दिन पहले ही हमें चाहिए सबसे कम प्राइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो हमारे पास ऑप्शन था वीवो का V11 Pro, जो कि हमें मिलता है लगभग 25,000 रुपये की प्राइस में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ओप्पो ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है ओप्पो का K1, जिसका प्राइस है सिर्फ 16,990 रुपये। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बाकी फीचर्स की, तो उनमें भी बहुत ही कम डिफरेंस है। तो चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं डिटेल कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में, ताकि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन की, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ाइन किसी भी स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स आपको मिलने वाले हैं ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। और दोनों ही फ़ोन्स में बैक साइड में ड्यूअल शेड का यूज़ किया गया है। ओप्पो K1 थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, मतलब आपको फ्रंट साइड से भी दोनों ही फ़ोन सेम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं स्लिम फ़ोन की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थिकनेस की, तो ओप्पो के K1 में आपको मिलता है 7.4 mm का थिकनेस, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं वीवो के V11 Pro की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 7.9 mm का थिकनेस। कहने का मतलब यह है कि ओप्पो का K1 थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम है वीवो V11 Pro के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं 6.41 इंचेस के एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पे यूज़ किए गए हैं फुल HD+ के रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एमोलेड डिस्प्ले है ये बेस्ट डिस्प्ले होता है फ़ोन्स के लिए, जहाँ पर हमें काफ़ी ब्राइट और पंची कलर देखने को मिलते हैं। कलर सेचुरेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल प्रॉपर होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है इन दोनों ही फ़ोन्स में। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं उनमें दोनों ही फ़ोन सेम हैं, यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं कैमरा की, जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ओप्पो K1 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 16+2 megapixel का एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। बात कर रहे हैं यहाँ पर अपर्चर की, तो दिया गया है f1.7 का अपर्चर प्राइमरी सेंसर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीवो के V11 Pro की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 12+5 megapixel का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, और अपर्चर दिया गया है f1.8 इसके प्राइमरी सेंसर में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स, जी हाँ, बहुत ज़्यादा हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट हमको यहाँ में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लो लाइट फोटोज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे ओप्पो K1 थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, दोनों ही फ़ोन आपको मिलते हैं 25 megapixel के सेल्फी कैमरे के साथ में। यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कई बार वीवो का V11 Pro थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। तो देखा आपने, अभी तक हमें दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आपको बता दें दोनों ही फ़ोन आपको मिलते हैं स्नैपड्रैगन के 660 चिपसेट के साथ में। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट यूज़ किया गया है, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ओप्पो K1 आपको देखने को मिलता है 1.95 GHz की क्लॉक स्पीड पे, जबकि वीवो का V11 Pro हमें देखने को मिलता है 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर की, तो वो हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली वीवो का V11 Pro थोड़ा सा बेटर होगा ओप्पो के K1 के कंपैरिजन में। रैम और स्टोरेज बैंक की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओप्पो K1 आपको मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, जबकि वीवो का V11 Pro हमें देखने को मिलता है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 2 SIM कार्ड और मेमोरी कार्ड लगाने की जगह दी गई है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है इनकी क्लॉक स्पीड में और रैम वेरियंट में। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। अब बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर ओप्पो के K1 में दी गई है 3600 mAh का बैटरी, जबकि 3400 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है वीवो के V11 Pro में। दोनों ही फ़ोन हमें देखने को मिलते हैं माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के साथ में, लेकिन एक एडवांटेज वीवो के V11 Pro के साथ में है, और वो है फास्ट चार्जिंग का। जी हाँ, ओप्पो के K1 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि वीवो के V11 Pro में वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों, देखा आपने इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में हमें बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है।
जी हाँ, इन दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस में ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये का फ़र्क है, लेकिन फीचर्स इतने ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जी हाँ, वीवो के V11 प्रो में कुछ चीज़ें हमको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके लिए 7 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना ये कहीं पे भी वर्थ वाली बात नहीं है। बाकी आपका डिसीजन है कि आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना है, हमने आपको दिया है डिटेल कंपैरिजन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।